हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी चैनल। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव को डेवलप कैसे किया जाएगा। घर बैठे बैठे ही आप उसको निगेटिव को स्कैन कॉपी करके आप कंप्यूटर में कैसे प्रिंट देख सकते हो, मतलब कि इसको प्रिंटिंग कर सकते हो। कुछ इसके टिप्स है और इसकी कुछ जानकारी है, ये पूरे तरीके से जान लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की मैंने टेक्निक लगाई थी, तभी तो मुझे ये प्रिंटिंग निकालना पॉसिबल हो गया। तो वही मैं आपको मेरा अनुभव जो शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। तो चलिए मैं उसका थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ आपको। इसका जो टेक्निक है, ये जो निगेटिव होता है ये ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, ठीक है। जब कैमरे से फोटो खींचा जाता है तो अंधेरे में फोटो खींचा जाता है, उसको डेवलप करते समय भी एकदम ब्लैक रूम में, उधर कोई लाइट नहीं होता है, उसी जगह पे ये डेवलप किया जाता है। तो डेवलप जैसे करते हैं वैसे ही इसका एक तस्वीर खींचाना पड़ता है, वो भी आप किसी लाइट की जगह पर आपको उसकी तस्वीर नहीं खींचना पड़ेगा, एकदम बंद जगह पे, एकदम अंधेरी जगह पे सिर्फ व्हाइट लाइट उस पर लगाकर आपको तस्वीर निकालना पड़ेगी और उसको फोटोशॉप में सिलेक्ट इनोर्स करना पड़ेगा। कोई भी फोटोशॉप रहे आपके पास, जो भी फोटोशॉप 7 से लेकर आज के जमाने तक सीसी तक कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, उसमें आप सिलेक्ट इनवर्स करके उसकी तस्वीर देख सकते हो। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आपका निगेटिव हो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजेस दिखाई देगी, अगर कलर हो तो कलर ही दिखाई देगी। मैंने बहुत सारे फोटो खिंचा कर उसका जो अनुभव लिया है, उस तरीके से मेरी इमेजेस मुझे मिल गई थी, ठीक है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगी, अगर कलर हो तो कलर ही दिखाई देगी। इसकी खिंचाने का एक आपको एकदम 100% बेटर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए एक सेटिंग लगानी बहुत ही जरूरी होती है, वो कि कम से कम ISO 100 के ISO पे इमेजेस आ गई तो समझो एकदम स्मूथ एंड नॉइज एंड एकदम क्लियर कट इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। पहला रीज़न, ISO कम से कम होना चाहिए। शटर स्पीड, जब फ्लैश पे खींचते हैं तो आपका 100, 125 या 200 का होना चाहिए, और एपर्चर सबसे कम से कम होना चाहिए 16 से आगे, 16, 22, 32, 36 जो भी होगा आपके कैमरा में लेंस में सबसे कम ISO, सॉरी एपर्चर, उसको कम से कम एपर्चर होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से तस्वीर निकाला है, लेकिन उसमें जब खींचते समय इतना ब्राइट इमेजेस निकलना है कि 2 स्टॉप ओवर इमेजेस निकलना है। जो राइट एक्सपोजर आपको कैमरा में दिखाई देती है इंस्टाग्राम पे, जब हाईलाइट कैमरा इमेजेस होने लगेगी तब तक रुकना नहीं है, तब तक निकलना है। अगर आप राइट एक्सपोजर क्या है, ओवर एक्सपोज क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, इस सारे चीज़ पर फोटोग्राफी के आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे 100 के आसपास वीडियो है, आप पूरा वीडियो देख, आपके साथ शेयर किया है तो पूरे देख सकते हो। तो उसको 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज निकलना है, ठीक है। 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज मतलब कि जब राइट एक्सपोजर दिखाई देगी तो राइट एक्सपोजर की इमेजेस आपको राइट यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको 2 स्टॉप ओवर निकालनी। वो भी कैसे निकालनी, अम्ब्रेला के सामने जब यहाँ से लाइट और यहाँ पर आपको निगेटिव रखना है और सामने कैमरा रखना है, एकदम लाइट के सामने से आपको 2-3 तस्वीर निकालना है। यहाँ पर एकदम मैनुअल फोकस लगा के या क्लियर फोकस करके, एकदम जब जितनी लेंस होगी उतने डिस्टेंस पे आप खींच लीजिए, लेकिन एकदम सिंगल फोकस पॉइंट होना चाहिए और राइट इस निगेटिव पे राइट फोकस होना चाहिए, ठीक है। फोकस होने के बाद आपको तस्वीर निकालना है ओवर एक्सपोज, 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज निकालना है, क्योंकि अम्ब्रेला के सामने व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। व्हाइट ही तो उसका डिफ्यूजर तो व्हाइट ही होते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि अपने मोबाइल में, मोबाइल से भी आप कर सकते हो। अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल से कैसे करना है, ऐसी व्हाइट तस्वीर फोटोशॉप में या पेज पे से आप एक व्हाइट ब्लैंक पेपर आप ऐसे इसमें ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये निगेटिव ऐसा रखकर तस्वीर निकाल सकते हो और उसको फोटोशॉप में लेकर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब या इसमें भी मोबाइल से भी आपको खींचना है तो वो भी 2 स्टॉप ओवर निकालना पड़ता है। मोबाइल से ज़्यादा अच्छी नहीं आ गई क्योंकि एक्सपोजर ठीक तरीके से मिल नहीं रहा था, मुझे लगभग 3200 का ISO मिला और शटर स्पीड भी मेरा बहुत ही स्लो गया था, 25 का शटर स्पीड। चलिए मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देखिए मैंने 10-15 लगभग इमेजेस निकाले तभी तो मुझे ये ऐसी इमेजेस मिली, ठीक है। तो और एक किया था ये वाली एक,
ठीक है। तो ये देखिए, ये मोबाइल पे निकाला मैंने, मोबाइल पे रखकर मैंने एकदम ऊपर से कपड़ा लिया और पर्दे ले लिया और कैमरे से फोटो खींच निकाला, तो इसका एक्सपोजर मुझे f/5.0 का एपर्चर मिला और 80 का शटर स्पीड और 1600 का ISO लगा, तभी तो मुझे एक स्टॉप और इमेजेस मिली। लेकिन ये इन्वर्स करने के बाद इतनी ठीक से नहीं बन पाई, तो भी मैं आपको इसका, जब मैंने राइट एक्सपोजर पे निकाली, मतलब कि दो स्टॉप और निकाली, एक स्टॉप और, ये मैंने, मुझे लगा था कि अंडर एक्सपोज आने के बाद ये राइट मिलेगी, राइट आती नहीं है। उसको जब निगेटिव प्रिंटिंग होता है, जैसे कि अंधेरे पे, मैंने कभी निगेटिव रोल प्रिंटिंग ही नहीं किया था और कुछ जाना भी नहीं था उसके बारे में, लेकिन ये लाल तस्वीर दिखती थी, ये ऐसा मैंने समझा था सिर्फ, ठीक है। तो लाल तस्वीर देखते समय आपको उतनी ओवर एक्सपोज, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, दो स्टॉप आप इमेजेस और निकालो तो आपको रेड इमेजेस दिखाई देगी ऐसे मोबाइल पे, ठीक है। तो मोबाइल पे निकालने के इतना अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो आप, अच्छी बात है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी निगेटिव की देख सकते हो। मैंने ये 6D कैमरे से निकाली है और उसमें जो देखिए अभी ये 22 वाली तस्वीर है ना, तो ये है, ठीक है, तो ये 22 वाली है, ये 4K एपर्चर, 25 का शटर स्पीड और 3200 का ISO, और ये दूसरी वाली है, ये क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला के लाइट के सामने मैंने लगाकर, जो स्टूडियो लाइट होता है उसके सामने, लाइट के सामने लगाकर मैंने खिंचाया हाथ पे, देखिए अभी इस पीछे अम्ब्रेला दिख रही है और मैंने हाथ में फोटो निगेटिव रखा है और सामने कैमरे से फोकस करके मैंने जो क्लिक किया है, ठीक है। दो तीन निकाला था, ये एकदम पूरा ओवर एक्सपोज और ये थोड़ा सा नीचे से ब्लैक आया था, तो इसे ये इमेजेस मैंने बना के देख लिए तो ये ऐसी वाइट हो गई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डबल क्लिक किया तो फोटोशॉप में ओपन हो गई और सिर्फ कंट्रोल आई किया, सिलेक्ट इनवर्स, तो देखिए ये ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं तो आप सिलेक्ट इनवर्स यहाँ पर है, ठीक है, आपको ये लॉक हटाना पड़ेगा लेयर में जाके और यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स करना पड़ेगा। सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन मुझे पता नहीं, ये शॉर्टकट यूज करते समय मैं कहाँ भूल गया वो, तो चलिए शॉर्टकट है उसका, कंट्रोल आई कर लो, आपको कंट्रोल आई करने के बाद एकदम ये दिखाई देगी, उसका सेचुरेशन थोड़ा सा कम ज़्यादा करो या वाइट बैलेंस ऐसे कर्वो ले लिया कंट्रोल एम से, और ये वाइट पॉइंट है तो मैं वाइट पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए, और थोड़ा सा अंडर, ठीक है, ओके, और कंट्रोल बी से बैलेंस, अगर ये बैलेंस में ठीक से करूँ तो एकदम सही से हो जाएगा, ओके। देखिए अगर हिस्ट्री दिखा तो आपको हिस्ट्री एक्शन पर, देखिए ये ऐसी तस्वीरें, कंट्रोल जेड, ओके, फाइनल बन गई, और इसको जैसे चाहिए वैसे आप क्रॉप कर सकते हो, जैसे कि मुझे 8x12 करना है, 8 इंचेस, 12 इंचेस, रेजोल्यूशन 300, और क्रॉप किया मैंने, ठीक है, क्रॉप किया और कंट्रोल ए कंट्रोल टी शिफ्ट दबा के उसको लंबा किया, और यहाँ से ऐसे कोने बराबर नहीं दिखते हैं तो, ठीक है, इंटर किया, फिर से मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल टी और ये कोने कंट्रोल दबा के सिर्फ ये कोना ऐसे लेना है तो स्ट्रेट बन जाएगी, ये भी कोना इसको यहाँ से लेना है और ऊपर का भी कोना स्ट्रेट करना है, ओके, तो ये बन गई, और बाकी का तो आप बैकग्राउंड चेंज करके उसको कर सकते हो, ठीक है। और इसको शार्पनेस देना चाहते हो तो शार्पनेस भी ऐसे कंट्रोल जे, और यहाँ से ब्रेंडिंग ऑप्शन से सॉफ्ट लाइट और अदर हाई पास, हाई पास से 2 का हाई पास देने समय 2.0 का शार्प हो जाएगी, और इसे फील्ड लाइट पर तो ज़्यादा शार्प होगी, ओके,
तो ये हो गई अपनी इमेजेस, और एक्सपोज़ के अंडर है थोड़ी सी और है, तो लाइटरूम में या फोटोशॉप में आपको इसका बैलेंस कर लीजिए। ओके, और भी दूसरी ये जो मोबाइल वाली है, अगर इसका देखा जाए तो ये देखिए, इसको कंट्रोल आई से ये अगर जितनी अंडर होगी उतना आपको ब्राइट दिखाई देगा, जितनी ब्राइट होगी उतनी अंडर दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए आप ब्राइट इमेजेस निकालो तो आपको सही तरीके से दिखाई देगी। ये ज़्यादा ब्राइट है तो ये देखिए, ये कंट्रोल आई एकदम राइट हो गई। लेकिन इसके सामने जब मैंने क्या किया था, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर मैंने चिगर टेप लगाया था और उसको चिपकाया था एकदम अम्ब्रेला पे, तो इतनी सही से नहीं बन पाई, मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन ही आ गया, कंट्रोल आई करके दिखाता हूँ तो, ठीक है। तो इसलिए उसको हटा के मैंने हाथ में या निगेटिव ले लिया और हाथ में फोटो निकाला, तो ये सही से बन गया। देखिए ये, इसमें भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ गया पीछे का। इसलिए व्हाइट पेपर हो या प्लेन पेपर हो आपके पास, या कुछ भी आप टेक्निक लगा सकते हो, मतलब कि जो व्हाइट पेपर होते जिसमें कोई लाइनिंग वगैरह या कुछ डॉट्स नहीं होना चाहिए, ऐसे तरीके से आप ये इमेजेस निकल के आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरी एक, अगर इसको एक क्रॉप सही तरीके से नहीं होती है तो उसका टेक्निक आप फिर एक बार से देख लीजिए, क्रॉप करने का तरीका कैसे होता है। अगर आप नए हो तो आपको टाइम लगेगा क्रॉप करने को। क्रॉप करने का जो तरीका होता है, ऐसे क्रॉप किया साइज लगाकर इंचेस में और रेजोल्यूशन 300 का, अगर ये एकदम आप राइट जो उसके कोने कॉर्नर है और राइट लगा लेते हैं, शिफ्ट दबा के कर लीजिए, शिफ्ट और अल्टर दबा के मैंने इसको ऐसे बड़े छोटे कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं, इसे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी जगह रख के चारों तरफ जगह रख कर आप क्रॉप कर लीजिए। और अभी कंट्रोल प्रेस किया मैंने और इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के लंबा कर लिया। कितनी भी टेढ़ी ताड़ी इमेजेस आ गई हो तो भी आपकी एकदम सीधी बन पाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, जब निगेटिव रहता है तो वो एकदम स्टेटी होता है, ठीक है। कोई भी तस्वीर को आप ऐसे क्रॉप करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल दिखाई देगी। और देखते हैं अभी दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा हाथ आ गया तो मैं इसको फीलिंग्स टूल से सिलेक्ट करके डिलीट, सॉरी, इसको डाटा इमेज करना होगा और डिलीट और कंटेन एवरेज, जो चाहे वो बैकग्राउंड आपको एडिट करके इसमें डाल दीजिए, ये सही से बन पाएगा। ओके, ठीक है। और ये भी देखा जाए तो ये भी एकदम अच्छी बन गई थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा आईएसओ लिया था तो लगाया था, तो ये इमेज इसमें ज़्यादा नॉइज ग्रेन आ गए, और ये देखिए 100 के आईएसओ पर एकदम स्मूथ इमेजेस आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और आपने लास्ट तक देखा ही है तो वीडियो का लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू का बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नए आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो धन्यवाद।